हे दोस्तों, डियर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब आप हमको अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी जॉब की तैयारी के लिए आप हमसे अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको हर तरह के वीडियो, अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी का, वहाँ पर आप जाके हमको फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद। सो गाइस, आज मैं हिंदी का ये पार्ट टू अपलोड कर रहा हूँ एक घंटे के अंदर ही, क्योंकि आप सब ने रिक्वेस्ट की थी। काफ़ी सारे लोग बार बार कहते हैं, सर हिंदी के कम से कम पर डे 50 क्वेश्चन करवाए करिए, क्योंकि हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोशिश करूँगा हिंदी के साथ साथ आपको रीजनिंग के और जीके जीएस के भी पर डे 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूँ। लेकिन आप सबको होता है कि यार 25 क्वेश्चन का जो वीडियो होता है वो लगभग 20 से 25 मिनट का हो जाता है, कभी कभी 15 मिनट, मतलब 15 मिनट से ऊपर हो जाता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं पर डे आपको 50 क्वेश्चन तो प्रोवाइड करूँगा, पर पार्ट वन पार्ट टू में, जैसा कि मैंने पार्ट वन अभी अपलोड किया था 25 क्वेश्चन, ये पार्ट टू है। सो गाइस, आप सब लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपको ये सुझाव अच्छा लगता है, ये तरीका अच्छा लगता है कि मैं पर डे 50 क्वेश्चन पहली बार तो अपलोड करूं और पार्ट वन पार्ट टू करके एक एक घंटे के अंतर पर, जैसे मैं अगर 11 बजे पार्ट वन डालता हूँ तो 11:30-12 बजे के बीच में मैं पार्ट टू डाल दूंगा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज मैंने 12 बजे पार्ट टू अपलोड किया है। तो आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बता देना कि आपको ये सुझाव कैसा लगता है। अगर आपके और भी कुछ सुझाव होंगे तो मैं उसको भी एक्सेप्ट करूँगा तहे दिल से। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था जो मैंने पिछले वीडियो में, अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो ये वहाँ पर इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो एक्स क्वेश्चन मैंने ये 25वां पूछा था कि नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित है, तो उसको अंतरिक्ष कहते हैं। समझ गए दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द। बलवान के अन्याय से उत्पन्न जो भय होता है उसे क्या बोलते हैं? आतंक, यानी कि ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 है, जिसे वशवर्ती बनना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं दुधर्ष, यानी कि ऑप्शन 3 इसका भी सही हो जाएगा, दुधर्ष इसका हो जाएगा। 28 पे आते हैं भाई। पहला 28 का क्वेश्चन है भाई, सबसे सरल क्वेश्चन हमको इसको मानते हैं कि किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालू से नहीं टकराती, मतलब जो जीव है हमारी तालू से नहीं टकराती है, तो घा, घा वर्ग, घा जो होता है, वैसे तो यहाँ पर घा है, और अगर वर्ग की बात करें तो यहाँ पर का वर्ग हो जाएगा, तो का वर्ग में आता है घा। तो घा एक ऐसा वर्ड है जो बोलते वक्त हमको जीवा जो है वो तालू से नहीं टकराती है। समझ गए दोस्तों। तो और घा का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें चा, तो चा आता है हमारा चा वर्ग के अंतर्गत, और चा का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालू होता है। या और तथा सा की अगर हम बात करें तो या तो हमारा अंतहस्त से हो जाएगा, और ये बड़ा सा हमारा हो जाता है ओष्ण व्यंजन हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। और इनका जो उच्चारण होता है वो जीभ, तालू, दांत तथा ओठों के परस्पर संयोग से होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है? देखो, उसने चाकू से फल काटे में अगर हम बात करेंगे कौन सा कारक है, तो जब चाकू से फल काटा जा रहा है तो जो चाकू है वो फल के संपर्क में है, अतः इसमें करण कारक हो जाएगा। अपादान में से का अर्थ जुदाई अर्थात अगलाव से होता है, तो अपादान तो होगा नहीं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। वन मानुष में कौन सा समास है? वन मानुष को अगर हम समास विग्रह करेंगे तो वन में रहने वाले मनुष्य, अगर यहाँ पर हम पूछेंगे कौन सा समास है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, और तत्पुरुष समास के अंतर्गत भी ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? दो प्रकार की क्रियाएं होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया नहीं है यानी कि जिसमें कर्म ना हो, तो यहाँ पर ऑप्शन 31 की बात करें तो यहाँ पर देखिए मोर नाचता है, यहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं है। रजत, बच्चे फिल्म देख रहे हैं, रजत दूध पी रहा, मनीष ने कार खरीदी, सारे बिना कर्म के नहीं बनेंगे, लेकिन मोर नाचता है ये विदाउट कर्म वाला है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा है? किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा है? तो अगर हम बात करें समर्थ, संतोष है, संस्कृत है, सज्जन है, तो समर्थ में भी सम है, संतोष में भी सम है, संस्कृत में भी सम है, लेकिन अगर हम बात करें सज्जन, तो सज्जन में सत, धन, जन होता है, यानी कि यहाँ पर सज्जन में सम उपसर्ग नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है?
आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, तो यहाँ पर लिखाई भी आई से है, चढ़ाई भी है, लड़ाई भी है, लेकिन जो चलनी है, चलनी हमारा आई प्रत्यय से नहीं बना है। समझ गए दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। अगली बात करें अगले क्वेश्चन की, तो प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। प्रत्युपकार में तो इसका मतलब होता है प्रतिधन उपकार, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रतिधन उपकार। और अगर हम बात करें इसमें कौन सी संधि है, तो यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि। और यड़ संधि मैंने आपको बता रखा है, यदि ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो ई का बड़ा ई यू ई या ई या बड़ा ई का यू हो जाता है, उ और बड़ा ऊ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है। ये सारी चीज़ जैसे यद्यपि में क्या होता है, यदि धन अपि, अति उत्तम में, अति धन उत्तम में अति उत्तम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको मैंने बता रखी है। 35 है, जहर का घूट पीना मुहावरे का सही अर्थ है। जहर का घूट पीना जो होता है उस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, देखिए असहाय स्थिति को भी सह लेना, यानी कि ऑप्शन थ्री इसका सही हो जाएगा, असहनीय स्थिति को भी सह लेना, जहर का घूट पीना। समझ गए, मतलब अपमान सह लेना। और जैसे अरुणिमा सिन्हा को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते वक्त जहर का घूट पीना पड़ा था, इसका वाक्य प्रयोग भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, तो पंच परमेश्वर के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, तो ऑप्शन फोर इसका सही हो जाएगा। और ये जो मुंशी प्रेमचंद्र जी का एक संग्रह था, कहानी संग्रह मानसरोवर, उसमें पंच परमेश्वर उसमें है। समझ गए दोस्तों। अगला है, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद। पंक्तियों के रचना अनुसार अलंकार पहचानना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कौन आया है, फिर से कौन आया है, तो प्रश्न अलंकार हो जाएगा, देखना ही नहीं है, तो ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। अगला है 38वां है, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, तो यहाँ पर वाक्य की त्रुटि में सुधार करना है, तो त्रुटि अगर सुधार कर लेंगे तो शुद्ध वाक्य बन जाएगा, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, इसके बाद भी वह मेला गया, तो तथापि, यानी कि ऑप्शन थ्री इसका सही हो जाएगा, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन है, तो यहाँ पर 39 में अगर हम बात करें सार्क लिटरेरी अवार्ड और 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार जो है, ये जो महिला लेखिका हैं ये मैत्रेयी पुष्पा, यानी कि ऑप्शन फोर इसका सही हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा, इनको ही मिला था 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कौन से हिस्से में त्रुटि है। तेनाली राम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सी लाइन गलत है, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर, तो यहाँ पर एक दुष्ट आदमी साधु, देखिए एक दुष्ट आदमी भी है साधु भी आ रहा है, तो यहाँ पर त्रुटि है। समझ गए, तो यहाँ पर एक दुष्ट आदमी जो साधु है, यानी कि एक दुष्ट आदमी साधु, यहाँ पर इस वाक्य में त्रुटि है। समझ गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है, अरे वाह .. आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो अरे वाह लग गया ना, तो उपर्युक्त में रिक्त स्थान पर हम विस्मयादि बोधक, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है विस्मयादि बोधक, जिसको हम अरे वाह के स्थान पे ये दिख रहा है जो हमने इसमें बनाया फिगर पे, तो ये विस्मयादि बोधक होता है, एक्सप्लेनेशन मार्क होता है, तो इसका प्रयोग हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन थे, तो हल्दी घाटी के रचनाकार कौन थे भाई, हल्दी घाटी के रचनाकार थे श्याम नारायण पांडे, तो यहाँ पर ऑप्शन फोर सही हो जाएगा। और हल्दी घाटी युद्ध जो कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच लड़ा गया था, उसे आधार बनाकर रचित जो हल्दी घाटी नामक रचना है, उसको श्याम नारायण पांडे जी ने रचा है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन हैं, चाचा चौधरी पात्र के जो रचनाकार हैं वो कौन है, वो हैं प्राण कुमार शर्मा जी, यानी कि ऑप्शन दो इसका सही हो जाएगा,
प्राण कुमार शर्मा जी जो हैं बच्चों के गाने लिखते थे, और किसके रचनाकार थे, चाचा चौधरी जो पात्र है, बहुत लोगों ने कॉमिक्स पढ़ा होगा चाचा चौधरी, तो उसको प्राण कुमार शर्मा जी जो कि एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हैं और इनका निधन भी हो चुका है। अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो अप्रतिम मतलब होता है बेजोड़, अप्रतिम मतलब क्या होता है बेजोड़, इसका समानार्थी हो जाएगा या पर्यायवाची हो जाएगा बेजोड़, समझ गए। सतर्कता शब्द में समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, सतर्कता का समानार्थी बताना है, तो सतर्कता का मतलब होता है क्या होता है मुस्तैदी, कहते नहीं भाई मुस्तैदी से खड़े रहो मुस्तैद टुंडे। क्वेश्चन नंबर 46 है शांत रस का, बहुत ही सरल है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, शांत रस का जो स्थायी भाव है वो हमारा निर्वेद है। रस में मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, इसके अलावा आप हमको अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं चैप्टर वाइज मैथ रीजनिंग और हिंदी के वीडियोज वहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 47 है बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिनु पल बिनु यहाँ पर अलंकार बताना है, तो इस चौपाई में क्या अलंकार है, तो इस चौपाई में कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों, इस चौपाई में विभावना अलंकार हो जाएगा, कौन सा अलंकार विभावना अलंकार हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कविता में जब बिना किसी कारण के कार्य संपन्न होने का चमत्कार घटित होता है तब विभावना अलंकार होता है, कभी कभी विरुद्ध कारण होने पर भी कार्य संपन्न हो जाता है और वहाँ पर भी तब विभावना अलंकार माना जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर उदाहरण दिया ही गया है। तो अगर उपयुक्त इस पंक्ति की बात करें तो यहाँ पर पैरों के बिना चलना बिनु पद चले सुने बिनु काना, मतलब बिना पैर के चलने की बात कह रही है, सुने बिनु काना मतलब बिना कान के सुनने की बात कर रही है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना मतलब यहाँ पर हाथ के बिना कर्म करने की बात कर रही है और मुंह के बिना रस भोग नाना रस भोग करने की और जीवा वक्त जीवा के बिना बोलने की बात की जा रही है, समझ गए दोस्तों, तो यहाँ पर विभावना अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, तो शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा, क्योंकि सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन है, हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक जो नाटककार हैं वो स्वामी जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों की सर्वाधिक रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है, इन्होंने अजातशत्रु राजश्री स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी आदि ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 50 आपका है अषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पूछ चुका हूँ, तो देखते हैं कि आज इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है, तो अषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है, तो आपको कमेंट करके बताना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन मैं एक बार करवा भी चुका हूँ, इसलिए आई थिंक आप सबको आंसर देना चाहिए। सो गाइस यार बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वो नीले कलर का एक लाइक बटन होगा उसको दबा के, काले कलर का होगा उसको दबा के लाइक नीला कर देना, और एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा होगा उसको दबा के सब्सक्राइब कर लेना, और वहाँ पर एक घंटी बना होगा घंटी को दबा देना। अब इससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि जब भी मैं इस तरह के कोई वीडियो अपलोड करूँगा, जैसा कि आप सबको होता है कि मैं दिन में 3 से 4-5 वीडियो अपलोड करता हूँ, तो नोटिफिकेशन सिस्टम थोड़ा सा यूट्यूब का ना लुल है तो नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता है, तो यार इससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यार आपका कोई वीडियो छूटेगा नहीं, और जो मेरा टारगेट है कि कम से कम 10,000 क्वेश्चन आपको पेपर तक तैयार हो जाए तो वो तैयार भी हो जाएंगे। तो चलो यार अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।